फ्रेंड्स ये जो आज का सेगमेंट है ये डेली बेस का हमारा सेगमेंट हो चुका है हम, हम जी टी एल इफ्रास्टक्चर पर डेली बेसिस पर यहां पर चर्चा कर रहे हैं एंड आज की जो चर्चा है वो जी टी एल इंफ्रास्टक्चर के बारे में यहां पर जो लिखा है एक के बाद एक अपल सर्किट पूरे ग्यारह पल सर्किट हाँ तो आज पूरे ग्यारह पल सर्किट जीटीएल के हो गए कल मैंने दस अपल सर्किट की वीडियो यहां पर अपलोड की थी एंड अभी हम आगे चल के बात करते हैं जी टी एल इफ्रास्ट्रक्चर शेयर की टूडे अपडेट के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आज फिर इसमें अपल सर्किट है लगातार हम इसमें अपल सर्किट में तो अपल सर्किट बोलते बोलते यहां पर थक चुका हूँ एंड आप भी यहाँ पे देखते देखते थक ही चुके हो गए रोज के रोज इसमें अपर अपल सर्किट लगते ही जा रहे हैं एंड आज भी इसमें

पे आज यहाँ पे गिरावट जरूर दिखाई गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड फाइव परसेंट की गिरावट बट ये गिरावट नहीं बोलेंगे हमें से ये क्या है जो एन और बी के साइड्स का अलग अलग रेट चल रहा था आज जरूर ट्रेडिंग हुई तो आज इसने बी की साइड्स ने अपना जो यहाँ पर सेटलमेंट है वो एन के बराबर लाने की यहाँ पे कोशिश जरूर की है एंड ये कोशिश इसकी हुई भी है तो ये लोअर सर्किट में तो यहाँ पर रहा है बट ये सेटलमेंट के साथ साथ जो रेट सेम होते हैं एन एस के वो तो वो आज यहाँ हुए हैं आज क्या दोनों में यहाँ पर ट्रेडिंग चली है तो जो जो बी पे खरीदे हुए लोग तो उनने यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे बिकवाली की क्योंकि वो एन पे खरीदना चाहते होंगे तो वो इन्होंने यहाँ पे बिकवाली की बी में और वो जाके एन में उनने बाई किया तो ये जो सेटलमेंट था अब ये पूरा अभी हो गया है समथिंग समथिंग पूरा ही हो गया है क्योंकि उसका जो प्राइस है वो दो है एंड इसका प्राइस दो रुपए पैसे है तो अब क्या होगा उसमें अपर सर्किट लगेगा एंड इसमें ना नेगेटिव लगेगा ना कुछ अगर ऐसा होगा या लोअर भी लग सकता है कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये प्राइस सेटलमेंट था तो इसमें आज लोअर सर्किट यहाँ देखने को मिला एंड यहाँ की डिलीवरी की बात करते हैं तो आज यहाँ अच्छी खासी डिलीवरी 65 परसेंट की उठाई गई है एंड जो क्वांटिटी रेट थी वो 8 करोड़ इकहत्तर लाख एंड उसमें से डिलीवरी 5 करोड़ अड़सठ लाख चौंतीस हज़ार की यहाँ पर उठाई गई है ओके तो आज इतनी सारी डिलीवरी यहाँ पर हुई है एंड ट्रेडिंग भी हुई है तो आप प्लीज़ यहाँ पर ऑपरेटर ने तो आज दम जरूर लगाई है लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ऑपरेटर के ऊपर यहाँ पर भारी पड़े हैं एंड लास्ट में यहाँ पर एन की साइट्स पर अपर सर्किट जरूर देखने को मिला है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे आज ये शेयर खरीदा होगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आज प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप किन किन लोगों ने यहाँ पे आज शेयर खरीदे हैं बाई किए हैं किन किन ने आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है ओके एंड अब हम इसमें लास्ट यहां पर स्लाइड्स पर चलते हैं अब जिसमें हम बात करेंगे जी टी इंफ्रास्ट्रक्चर के और भी फंक्शंस के बारे में हाँ तो फ्रेंड यहाँ पे हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गए हैं यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसा कि यहाँ पे आज के दिन देखिए यहाँ पे यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है सुबह मार्केट खुलता है एंड गिरता है फिर उठता है फिर यहाँ पे थोड़ी देर कांस्टेंट रहता है तो यहाँ पे आज अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है यहाँ पे शेयर्स भी बिके हैं होल्ड भी हुए हैं सब कुछ हुआ है बट यहाँ पे मैं आपको वन वीक का चार्ट पैटर्न यहाँ पे शो करा देता हूं बट उसके पहले मैं एक और बात बोल देता हूं यदि आप चैनल पर नए हैं रोज की तरह तो आप फिर से चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके आप शेयर कर दीजिए ओके एंड अब वन वीक के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आपको अपारी सरकार देखने को मिलेंगे क्योंकि ग्यारह अपर सर्किट तो यहां पे वैसे भी लग चुके हैं वन वीक में सेवन डेज होते हैं तो चार अपर सर्किट और बचे हैं जो हमें वन मंथ में यहां पे देखने को मिलेंगे ये इतने अपर सर्किट्स में ये चल रहा है एंड उसके पहले भी आप मान सकते हैं छोटी सी यहां पर गिरावट जरूर हुई थी जो से फॉल हुआ था लेकिन फिर इसने अपनी रिकवरी यहां पर रखी है एंड इसका अभी हम यहाँ पे बामन वीक का यहाँ पे जो देख लेते हैं देख बामन वीक का यहाँ पे यही है इसका ये यह तो यहाँ पे कम निकल के आ रहा है तीन रुपए नब्बे पैसे ओके बट इसका चार रुपए की समथिंग है चार रुपए पाँच पैसे है हाँ ये है यहाँ पे चार रुपए पाँच पैसे इसका बामन वीक हाई है अब ये, ये नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेंस चार रुपए पाँच पैसे पर जाता है यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ तक जा पाता है क्या उसके भी पहले यहाँ पर लोबल सर्किट में स्टार्ट हो जाता है ओके एंड इसमें कुछ और बातें कर लेते हैं यहाँ पे इंस्टेंसिक वैल्यू की तो यहाँ इंसफिसेंट डाटा एंट्री पॉइंट इसमें अभी नहीं बताया गया टिकट टैप की साइड्स पर एंड यहाँ पे रेड फ्लैग जोन में एफ की लिस्ट में डला हुआ ये आपको पता होगा पहले से ओके एंड अब यहां पर बात करते हैं हमारा जो डेली का सेगमेंट होता है टास्क ऑफ क्वाटिडीन इसमें हम बात करते हैं पर एक स्ट्रॉंग शेयर की जो फंडामेंटली स्ट्रॉग हो एंड जो होल्डिंग के परपज से अच्छा हो जो आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे सके तो आज की वीडियो होने वाली है सत्रह दिसंबर को ये आपको आठ पम पे यहां पर अपलोड होती है एंड यदि आप या प्ले में भी जाएंगे तो आपको टाक्स ऑफ क्वाटिडीन की लिस्ट में पिछली दो वीडियो दिख जाएंगे एंड थर्ड वीडियो ये होने वाली है तो ये जो शेयर होता है आप उसको जरूर देखिए उसको आप वो देखने से आपको काफी फंडामेंटल्स आपके शेयर मार्केट के स्ट्रॉ होंगे एंड डॉफल्ट प्रॉबिलिटी की बात करें तो इसमें डॉफॉल हाई डिफॉल्ट प्रोबिलिटी दिखाई गई है जो एक नेगेटिव पॉइंट शेयर के लिए यहाँ पे ग्रोथ स्कोर में भी एक नेगेटिव पॉइंट पुअर परफॉर्म दिखा रहा है बट इसकी पुअर परफॉर्मेंस नहीं है आप ग्यारह यहाँ पे स्टॉक लगने के बाद यदि ये पुअर परफॉर्मेंस दिखा रहा तो ये गलत है इसकी कोई पुअर परफॉर्मेंस आप नहीं दिखाई देनी चाहिए साइट्स अपडेट हो जाएगी तो ये सही हो जाएगा यदि फाइनेंशियल स्ट्रेंड की बात करें तो दो में इसको यहाँ लॉस लगा था एंड लॉस जरूर इसमें कम हुआ है तो ये पॉजिटिव पॉइंट शेयर के लिए जरूर बन के आता है बट ये लॉस मेकिंग कंपनी है मैं आपको हर बार यहाँ बताता रहता हूँ ओके एंड यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो स्टे कॉन्स्टेंट है एंड हंड्रेड परसेंट यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है वो प्लेस्ड करके रखी हुई है तो प्रमोटर यहाँ से भाग चुके हैं एंड लो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग ये तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया जो प्रमोटर होल्डिंग है वो यहाँ पे प्लेस्ड है एंड यदि यहाँ पे हम बात करें डिविडेंड की तो यहाँ पे ये कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती एंड इसने लास्ट फाइव ईयर से कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है तो एक नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए जरूर यहाँ पर बनता है तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं में एक हमारा डेली बेसिस का ये और एक और सेगमेंट है डे टास्क ऑन पेनी स्टॉक इसमें हम पेनी स्टॉक के ऊपर चर्चा करते हैं आज की ये वीडियो होने वाली है इसमें एक शेयर को नया यहाँ पे ऐड किया गया है जिसका नाम है ट्राइडेंट शेयर और ये शेयर है हम इनके बारे में रेगुलरली यहाँ पे चर्चा करते हैं एंड उसके आ, मतलब टूमारो के बारे में पता करते हैं कि इसमें क्या होने वाला है नेक्स्ट डे के लिए तो आप ओके okay, इस वीडियो में जरूर आए यदि ये शेयर यदि आपके पोर्टफोलियो में हैं या आप इनके बारे में कुछ सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो ओके लास्ट में वीडियो तक बने रहने के लिए धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब करके जरूर जाए एंड यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएं।